तो दोस्तों मैं देख रहा था YouTube वीडियो जियोफोन 2 पे, जी हाँ जियोफोन 2 पे, जिसका करने जा रहे हैं हम आज अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस, और फिर मैं बताऊंगा दोस्तों इसके जियो स्टोर के बारे में, YouTube, WhatsApp और इसके आगे के अपडेट्स के बारे में हम और डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों ये है वो डब्बा जिसमें जियोफोन 2, उसकी बैटरी और एक सिम कार्ड और एक वॉल अडैप्टर जिससे आप उस फोन को चार्ज कर सकते हैं वो मिलता है। जी हाँ, अब इस डिवाइस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस डब्बे में, लेकिन हम बैठे हैं ना तो इसको रखते हैं साइड में। जी हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस फोन के बिल्ट और डिस्प्ले से। तो दोस्तों जो बिल्ड है वो प्लास्टिक बॉडी की है और 3000 रुपये में आप यहाँ पे और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। अब उसके अलावा दोस्तों जब आप इस फोन को पहली बार देखते हैं, जैसे जब मैंने देखा तो मैंने नोकिया E63, नोकिया E72 यूज़ किया था, ब्लैकबेरी यूज़ नहीं कर पाया था उस समय। तो बहुत कुछ वैसा ही दिखता है विद दिस क्वार्टी कीबोर्ड, और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन मिल जाते हैं। अब नेविगेशन बटन के बगल में आपको चार बटन और मिलते हैं। एक है दोस्तों रुपए के सिंबल वाला जिससे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद है दोस्तों ब्राउजर, फिर एक डेडिकेटेड जियो बटन और एक बैक बटन, एंड जो ग्रीन और रेड फ़ोन उठाने और काटने के बटन से वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे मिल रहे हैं पुराने ज़माने के फ़ोन्स के, शायद एक्चुअली नॉट पुराने ज़माने बट जो फीचर फ़ोन होते हैं उसके साथ से। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बीच में एक माइक का बटन मिलता है जो कि ओके बटन भी है, और जिससे आप गूगल असिस्टेंट जो इसमें बिल्ट इन आता है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इसका डायरेक्ट वेब रिजल्ट या फिर ये आपको वॉइस गाइडेड रिजल्ट्स भी साथ में दे देगी। एंड वापस से डिज़ाइन और बिल्ट पे आते वक्त आपको जो बैक पैनल है वो रिमूवेबल है, बैटरी अगेन रिमूवेबल है, और उसके नीचे दोस्तों आप दो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं बिकॉज जो इंटरनल मेमोरी है वो सिर्फ 4GB की, तो ऐसे में माइक्रो एसडी कार्ड इस पे लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो दो सिम कार्ड्स हैं दोस्तों वो एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड है अगर आप पुराने जियो फोन से कंपेयर करें, एंड सिम वन में इट इज़ मैंडेटरी कि आपको एक जियो सिम, एक्टिव जियो सिम रखना है तो आप दूसरे सिम कार्ड जो स्लॉट है उसमें एयरटेल, वोडाफोन और भी कुछ लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सिम जियो के हों, बट एक सिम जियो का होना बहुत ज़रूरी है। उसका दोस्तों जो डिस्प्ले है वो 2.4 इंचेस का है जो कि QVGA TFT डिस्प्ले है, और ये TFT डिस्प्ले दोस्तों इसका व्यूइंग एंगल इतना अच्छा नहीं है, तो एक जो एंगल होता है उसमें आपकी मूवीज़ अच्छी दिखेंगी, उसके अलावा अगर आप देख रहे हो तो वो नेगेटिव इफेक्ट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल सकता है। अब अगर कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, और जो रियर कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है दोस्तों VGA कैमरा, जिससे आप वीडियो कॉल्स भी, जो जियो वीडियो चैट ऐप है उससे आप वीडियो कॉल्स भी कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे 3.5mm का ऑडियो जैक सपोर्ट, हाँ डब्बे के अंदर कोई ईयरफोन्स नहीं है तो आपको बाहर से जो दूसरे ईयरफोन से वो खरीद के यहाँ पे आप लगा सकते हो, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के होते हुए आप यहाँ पे अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी सुन पाओगे। इसके बाद आप अगर सेटिंग्स में जाओ तो यहाँ पे दोस्तों आपको वाईफाई, NFC इन सब का भी सपोर्ट मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है 3000 रुपये में, और आप इस फ़ोन को पोर्टेबल हॉटस्पॉट भी बना सकते हो। अब एक बात जो आप में से शायद बहुतों को अच्छी लगे वो ये कि आपको इसमें बिल्ट इन FM रेडियो भी मिलता है जो कि बिना ईयरफोन डाले आप सुन सकते हो। जी हाँ, एंटीना के लिए आपको वो ईयरफोन डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसका जो स्पीकर है वो एक आदमी के लिए अगर वो एक कमरे में बैठा है तो वो बहुत ही अच्छा, जैसा आप सुन रहे होगे जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो सुन रहा था, यू मस्ट बी नोइंग कि कैसा साउंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जियो ऐप्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे जो बिल्ट इन जियो ऐप्स होते हैं जिससे आप गाने सुन सकते हो, जियो TV है, हॉटस्टार भी आपको मिलता है, बुक माई शो का आपको ऐप मिल जाता है, गूगल मैप्स में दोस्तों आप यहाँ पे रास्ते देख सकते हो, डायरेक्शंस देख सकते हो, नेविगेशन आपको नहीं मिल रहा, बट ये एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा था YouTube जो मैं देख रहा था, तो अभी तक दोस्तों YouTube का कोई ऐप नहीं आया है, बहुत ही जल्द मतलब विद इन 1 or 2 weeks आ जाएगा WhatsApp और YouTube, बट उससे पहले आप यहाँ पे WhatsApp वेब, जी हाँ इसमें ब्राउजर होता है उसमें आप WhatsApp वेब चला सकते हो, या फिर आप YouTube जो है उसका भी आप एक शॉर्टकट बना करके वहाँ पे अपने वीडियोस देख सकते हो। अब आप वीडियो देखने की बात अगर मैं करूँ तो इससे के साथ आप एक केबल आता है दोस्तों, वो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस केबल के जरिए आप इस फोन को अपने TV में HDMI के थ्रू कनेक्ट कर पाओगे, और फिर वहाँ से आप JioTV, YouTube ये सारे जो ऐप्स हैं उसको आप अपने TV में डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हो। लेकिन वो केबल कब तक आएगा यार, ये हम भी जानना चाहते हैं, मतलब पिछले साल से वेट करा रखा है जियो ने, एंड दिस इज कम्प्लीटली आउटरेजियस, मतलब वो जियो ऐप और ये जो व्हाट्सएप है, जो यूट्यूब है, उसकी भी डेट्स एक के बाद एक डिले कर रहे हैं, ये जो केबल है उसकी भी डेट्स डिले कर रहे हैं, और कहाँ तक हम लोगों को वेट करना पड़े ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है।
अब अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 2000 मिली एम्पेयर की रिमूवेबल बैटरी मिलती है और इस फोन के हिसाब से मोर देन इनफ है दो दिन तो आराम से चलने के लिए। और दो दिन के बाद यहाँ पे चार्ज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज आपको जो बॉक्स का चार्जर मिलता है वो 5 वोल्ट एट 0.7 एम्पेयर है। जी हाँ, सिर्फ 700 मिली एम्पेयर का यहाँ पे आपको चार्जर मिल रहा है जो कि स्लो एंड स्टेडी चार्ज करेगा इस डिवाइस को। तो ओएस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको काय ओएस मिलता है जो कि बहुत ही नया ओएस है जियो की तरफ से, तो इसीलिए शायद यहाँ पे ऐप्स आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे आपके एंड्रॉयड के ऐप्स डायरेक्टली नहीं चलते हैं और वो जो डेवलपर्स हैं उनको इसके लिए स्पेशल ऐप्स बनाने पड़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं गिव अवे के बारे में। तो आपको इस वीडियो के नीचे दोस्तों तीन लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। जी हाँ, GT हिंदी के पेजेस, आपको हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइक करना है, ट्विटर पे फॉलो करना है और ये सब चीज़ करने के बाद आपको यूट्यूब इसी वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ना है कि हाँ मैंने आपको यहाँ पे फॉलो कर लिया है और ये मुझे जो जियो फोन 2 है वो क्यों चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम रैंडम एक कमेंट पिक करेंगे और वो तब करेंगे जब हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर हो जाएंगे लगभग 20,000। तो ये आपको दिखाना है कि आप इस वीडियो को कितना शेयर कर रहे हो। और दोस्तों यहाँ पे लाखों सब्सक्राइबर है तो हजारों में इंस्टाग्राम फॉलोअर नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ज्यादा फॉलोअर्स आ गए तो शायद एक की जगह दो फोन गिव अवे कर दें। तो ये था दोस्तों एक ओवरऑल अनबॉक्सिंग। जी हाँ, और यहाँ पे 3,000 रुपए में मेरे हिसाब से अगर आपको क्वाटी कीबोर्ड चाहिए तब आप इस फ़ोन को खरीद सकते हो, क्योंकि अगर आप जियो फोन 1 से कंपेयर करो तो स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा है जिसमें आप वीडियोस देख सकते हो, क्वाटी कीबोर्ड आपको मिल रहा है और उसके साथ साथ आपको एक और सिम कार्ड स्लॉट यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है बिकॉज कैमरा सेम है, रैम सेम है, ओएस सेम है, जो प्रोसेसर है वो सेम है। तो लगभग जो भी चीज़ इस फ़ोन को चलाती है जो बैक एंड में है वो सारी चीज़ें सेम है। तो उसके लिए क्या 1500 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहिए और क्या इसमें कोई कैशबैक ऑफर भी नहीं है, जबकि अगर आप जियो फोन 1 खरीदे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा कैशबैक ऑफर भी मिलता है। तो ऐसे में इस फोन को तभी खरीदो जब आपको क्वाटी कीबोर्ड चाहिए और वो बड़ा डिस्प्ले चाहिए। बस इतनी सी बात है दोस्तों इस वीडियो की। एंड अगर आप हमसे और कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं इस डिवाइस के बारे में या फिर आप अगर चाहते हैं कि हम इसका गिव अवे करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे बताओ, इंस्टाग्राम के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, ट्विटर के लिंक, फेसबुक के लिंक, सब के लिंक्स मिलेंगे। जी हाँ, तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।